सुझाव एकत्रीकरण के बाद प्रधानमंत्री को भेजा। सर्वांगीण नगर विकास का प्रस्ताव संस्था राम संकल्प ने 15 दिवस की अथक मेहनत और नगरवासियों के सार्थक तथा सकारात्मक सहयोग और सुझावों के बाद मंगलवार को संस्था राम संकल्प ने नगर विकास के सुझावों की फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी है। संस्था के कार्यकर्ताओं ने नगर सर्वांगीण विकास के सुझावों का लिफाफा नायब तहसीलदार सुनील जैन को सौंपा। इसके पूर्व कार्यकर्ताओं ने मां नर्मदा, भगवान श्री काशी विश्वनाथ, श्री राजेश्वर भगवान तथा देवी श्री अहिल्याबाई का पूजन करते हुए नगर विकास के लगभग 200 सुझावों के दस्तावेज देवताओं के चरणों में रखते हुए नगर विकास के अभियान को सफल बनाने के लिए प्रार्थना की। इस संबंध में पत्रकार वार्ता के दौरान रोहित जोशी तथा रामदास शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि लगभग एक माह पूर्व संस्था के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐतिहासिक नगरी महेश्वर के विकास को लेकर पत्र लिखा था, जिसको लेकर पीएम कार्यालय ने सीएम कार्यालय को आदेशित किया था, जिसके बाद प्रशासन ने संस्था के सदस्यों से नगरवासियों के विकासमूलक सुझाव लिए जाने को कहा था। यह कार्य संस्था ने 1 फरवरी से शुरू किया, जो 15 फरवरी को पूर्ण हुआ। इस अभियान में लगभग 10 संगठन, 100 सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 200 सुझाव दिए। सुझावों में महेश्वर विकास को लेकर प्रमुख से माताश्री के नाम से अहिल्या कॉरिडोर, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम आश्रम, नर्मदा परिक्रमा पथ निर्माण, मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, संग्रहालय के साथ अन्य कई सुझाव नगर के युवाओं, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों एवं धार्मिक राजनीतिक मुस्लिम सामाजिक संगठन ने सुझाव दिए। मोदी जी जिस प्रकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप किया है, वैसे ही माँ अहिल्या के इस नगर में देवी अहिल्या कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए मोदी जी को योजना बनाएंगे, ऐसी हमारी केंद्र सरकार से मांग है और इसी के लिए हम लोग ये आज प्रयास करें। कुल कितने लोगों से संपर्क हुआ आपका? कुल इसमें लगभग 55 से 60 लोगों से हमारा संपर्क हुआ है। ये हम प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं, कई लोगों के सुझाव हमको फ़ोन पे भी मिले हैं, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा भी मिले हैं। ऐसे पूरे नगर की लगभग इसमें सहभागीदारी थी, हर समाज हर वर्ग के लोग इसमें। कितने सुझाव आए? सुझाव 200 से ज़्यादा सुझाव इसमें हैं। तो अपन ने कोई इसका बाउंडेशन तय करी क्या, कब तक इस पर काम हो पाएगा, और नहीं हुआ तो आगे अपन क्या? अपन ने ये तय किया है कि वैसे तो अभी ये जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है, पर अगर नहीं भी अगर इस पर कुछ कार्यक्रम होता है, वैसे 1 महीने का समय इसमें लगभग दिया जाना चाहिए कि 1 महीने पर कम से कम इसका जवाब अपने को मिले कि सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है। पर अगर नहीं करते हैं तो अपन अपना एक प्रतिनिधिमंडल बना के अपन इन सभी लोगों से मिलेंगे, जो जो इसके अंदर जिम्मेदार मंत्री और अधिकारी रहेंगे उन सबसे संपर्क करके निवेदन करेंगे। ये प्रयास अपन लगातार 1 साल 2 साल जब तक की योजना में रहेगा तब करेंगे, अगर आवश्यकता बढ़ी तो फिर आंदोलन के जरिए से नगर के विकास के लिए काम करेंगे। अब संस्था राम संकल्प निरंतर जब तक महेश्वर का विकास नहीं होता है तब तक इस क्रम में आगे बढ़ती रहेगी। इसमें जो आपने सुझाव पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने उसको शिकायत के स्वरूप में लिया है, तो इसको लेके भी कोई पत्र व्यवहार करेंगे आप? जी निश्चित रूप से, मैंने इसी प्रस्ताव के साथ भी प्रधानमंत्री जी को ये पत्र के साथ लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन ने इसको शिकायत के रूप में लिया, जबकि ये सुझाव होना चाहिए था। एक व्यवस्थित इनके पास तंत्र की कमी है मध्य प्रदेश शासन के पास, मध्य प्रदेश शासन को एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जिसमें शिकायत के साथ सुझाव भी लिए जा सके और सरकार उसको गंभीरता से लेकर काम करे, क्योंकि अब भारत विकसित देशों की श्रेणी में जा रहा है, तो विकसित देशों में ऐसा तंत्र होना चाहिए कि एक सामान्य नागरिक एक सामान्य विषय को उठाए तो उसको सरकार बहुत गंभीरता से ले। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।